जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप जो शिवपुराण की सेवा मुझसे ले रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं, गुरु जी मैं आपकी लख लख शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सेवा के लायक मुझे समझा है। ये सेवा हमेशा लेते रहिए, इस तरह की और भी सेवा लेते रहिए मेरे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय। अगला अध्याय शुरू। देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है? उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है? तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है? ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के तीन मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनिश्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिदीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जग ध्योनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात देवी के गण हैं।
जो चलते फिरते सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं ये लोग मेरे हैं अतः मुझमें प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्यफल की गणना कौन कर सकता है। चंदन अगुरु कपूर जटामांसी तथा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करें। देवी सिंह पर सवार हैं, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप पंख को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल कुमकुम वस्त्र कपूर अगुरु चंदन धूप दीप नैवेद्य पुष्प हार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला मालती चंपा जपा अड़उल बंदूक दुपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझें, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जानें, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी मानें। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के लिए निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं।
जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाही देवी जनानस्मान प्रपननान दीन वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहाँ उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहाँ से अपने घर ले आएं। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्र पद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान उमालोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए, उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है, इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई ये संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता, वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण, ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।